झारखंड में बेटियों के साथ हो रहे गैंगरेप की घटनाओं ने राजधानी को हिला कर रख दिया है। नवागढ़ की बेटी के साथ हुए दरिंदगी के खिलाफ अब सड़कों पर आक्रोश दिखने लगा है। गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। प्रदेश की महिला संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर गैंगरेप के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि कोई दूसरा कभी ऐसी हिमाकत ना कर सके। वो दिन अब दूर नहीं जब रांची की सड़कों पर दिल्ली के आंदोलन का अक्ष दिखे। राजधानी की महिलाओं में भी पूरे सिस्टम के खिलाफ काफी गुस्सा भरा है। दिल्ली में जो घटना घटी थी उसके खिलाफ जैसा उफान आया था, आंदोलन का उफान आया था, और जिसका कारण ही महिला सुरक्षा बिल या फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लागू हुआ है, वैसा ही फिर जन आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे, उफान लाएंगे और पुलिस प्रशासन सरकार पर हम लोग दबाव डालेंगे ताकि ऐसा घटनाएं दोबारा ना घटे। राजधानी रांची में हुए इस घटना ने महिलाओं को अंदर तक हिला कर रख दिया है। वहीं शहर का युवा तबका भी घटना से आग बबूला है। शहर के नौजवानों ने अब सड़क पर इंसाफ की लड़ाई के लिए मसाल थाम लिया है। मांग करते हैं कि त्वरित न्याय करते हुए उस परिवार के लोगों को न्याय करते हुए राज्य सरकार जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करे और सजाएं मौत, जो फांसी का जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा करते हुए उन लोगों को फांसी की सजा दे, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। घटना ने सियासी नुमाइंदों को भी झकझोर दिया है। इंसाफ की लड़ाई के लिए सियासी गलियारों से भी मुखर आवाजें उठ रही हैं। पूरे झारखंड में बढ़ती अपराध को लेकर आज हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला रांची लोकसभा युवा कांग्रेस के बैनर तले। हम लोगों का ये मांग है, महिलाओं को जो दिन प्रतिदिन शोषित किया जा रहा है, महिलाओं के साथ में महिलाओं को रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हम लोग ये मांग करते सिकिदरी थाना से, रांची प्रशासन से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसके बाद सरकार को भी देश की आवाज़ सुनते हुए कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन कानून भी तब तक कारगर नहीं होगा जब तक सिस्टम के साथ साथ समाज अपने सोच और नजरिए में व्यापक बदलाव नहीं लाता। रांची से RBN न्यूज़ के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट।